इंडिया गठबंधन बन चुका है और सनातन संस्कृति को खत्म करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त उद्धव ठाकरे फैक्शन के एमपी अरविंद सावंत जो है वो जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार रिएक्ट किया है। वो प्रधानमंत्री करके रिएक्ट नहीं करे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता करके रिएक्शन दी है। प्रधानमंत्री होते तो इस तरह से बात नहीं करते। पहली बात है, सनातन के बारे में जिसने बात की उसके ऊपर मैं बहस भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके गठबंधन ने एडीएमके है। जरा पूछ तो लो, उनसे ही पूछो एडीएमके के उसके ऊपर क्या बयान है। एडीएमके का अब जब बयान आएगा तब बता देना। तो ये जो इनकी नींव ही विचारधारा ही ऐसी है, नींव उसकी ऐसी है कि झगड़े लगाओ और राजनीति खेलो, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ओबीसी एससी या ओबीसी मराठा समाज, या झगड़ा लगाना और अपनी राजनीति खेलना, यही उनकी विचारधारा रही। और उस विचारधारा को लोग को एक राज्य में किसी ने क्या बयान दिया उसके लिए इंडिया में कुछ नहीं होगा। वो जानते हैं कि आप पैरों तले जमीन हिल रही है। घमेंडिया कौन? घमेंडिया दुनिया जानती है कौन है, दुनिया जानती है। मैं तो आपको पूछता हूँ, आपसे कभी बात की क्या रे भैया? नहीं ना, तो घमेंडिया कौन है वो पहले देखो। एक सवाल, ये जो वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हाथ में तो कुछ नहीं है ना, तो कुछ तो करो। और वही जाति धर्म के आधार पे करते रहो, यही उनकी नीति रही है। उसी वही नीति देश के लिए विभाजनकारी नीति है, इतना ध्यान में रखो। विपक्ष के गठबंधन में आप भी शामिल है, लगातार जिस प्रकार के बयान हो, दयानिधि स्टालिन हो या प्रियांक खड़गे हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने सनातन के खिलाफ। फिर दोबारा आप क्यों, आपने आपने लिया है क्या कॉन्ट्रैक्ट? कौन है वो कि जिसके लिए पूरा देश हिल जाए? देश में कोई बहस हो रही, अन्य राज्यों में हुई क्या? नहीं ना, किसी राज्य से सीमित किसी ने विचार अगर प्रकट किए हो उसको लेकर देश में लेके जा रहे हो, वही तो तुम्हारी नीति समझती है ना, यही तो आपकी अनिति है। आपके आप छोड़ दो, हमारे संजय राउत साहब ने एक अच्छा अग्रलेख पढ़ा है, उसका ट्रांसलेशन करिए और प्रधानमंत्री जी को भेज दीजिए, हो सके तो समझ जाए। तो आपका स्टैंड क्या है, उद्धव ठाकरे गुट का स्टैंड क्या है? हमारा स्टैंड नहीं, आप कितना भी बहस करो, आपको लड़ाई करना है, आपको झगड़े लगाना है, मीडिया का धंधा है, वो धंधा आप करते रहो, हम इकट्ठा रहेंगे इंडियन एयरलाइंस इसको रेज करेंगे क्या? उसके विषय भी नहीं, विषय ही नहीं छूना आपको। हम देश की एकता की बात करेंगे, देश की एकजुट की बात करेंगे, हम देश की संविधान की रक्षा की बात करेंगे, हम देश की लोकतंत्र की बात करेंगे, हम देश के जनता की हित की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरविंद सावंत।